हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़, इनकी तरफ से जो नया रिक्रूटमेंट नोटिस जारी हुआ है, जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस पूरा डिटेल में जो भी हम आपको बताएंगे, जिसमें जो चौकीदार की जो पोस्टें निकली हैं और जो 10 पेजेस का नोटिफिकेशन आगे जो कुछ पेजेस इसके हैं, जिसमें जो नेक्चर्स हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे साथ में। तो और ये हम आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब के चैनल पर बता रहे हैं, और अगर आप ऐसे चाहते हैं आगे फ्यूचर में हम आपको सभी जॉब्स की रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन देर सबसे पहले दें, जैसे अभी हम आपको देते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। तो इसमें जो कैंडिडेट जो अप्लाई कर सकते हैं वो है 19/12/2022 से 11:00 PM से, लास्ट डेट जो फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 9/1/2023 11:00 PM। तो इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं 50 हैं। उसके बाद जो चौकीदार की जो पोस्ट है, नेम ऑफ द पोस्ट जो चौकीदार, जो जनरल कैटेगरी 42, SC ST BC जो 5, उसके बाद जो ESM 3, जो कैटेगरी फर्दर जो ब्रेकअप किया गया है जो वैकेंसी का। उसके बाद फर्दर आता है आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसी जो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हैं ऑन द वैकेंसीज ऑफ वैकेंसी जो ऑन द डेट ऑफ प्रेपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। तो उसके फर्दर आता है आपके पास एज के रिगार्डिंग जो है आपकी नॉट लेस देन 18 ईयर्स और मोर देन जो 35 ईयर्स, 18 से 35 साल जो एज ऑन 9/1/2023 हुआवर द एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू जो EX सर्विसमैन कैटेगरी अपरेज लिमिट रिलैक्स एज फॉलो। तो उनके लिए जो नीचे दिया गया है, तो आगे जो क्वालिफिकेशन जो रहेगी आपकी, जो एप्लीकेशन मस्ट हैव जो पास्ट मिडिल स्टैंडर्ड और इट्स इक्विवेलेंट जो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज स्कूल एजुकेशन बोर्ड इंस्टीट्यूशंस। द एप्लीकेंट शुड फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ एज क्वालिफिकेशन एटसेट्रा ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है दैट इज 9/1/2023। तो आगे फर्दर आता है डिटेल्स, फी पेबल जो आपका रहेगा ऑनलाइन नॉन रिफंडेबल रहेगी, यहाँ पे सीरियल नंबर कैटेगरी, उसके बाद ऑनलाइन जो फैसिलिटेशन चार्जेस एप्लीकेशन फी। उसके बाद फर्दर आता है आपके पास जो जनरल SC ST BC एरियाज जो स्टेट्स अदर देन पंजाब हरियाणा एंड यूटी चंडीगढ़, तो उनके लिए जो हम आपको बताएंगे जो आपके फर्दर आता है जो ऑनलाइन फैसिलिटेशन चार्जेस और जो एप्लीकेशन फी 510 और 200, SC ST और अर्बन एरिया स्टेट्स ऑफ पंजाब हरियाणा यूटी चंडीगढ़ 510 100, उसके EX सर्विसमैन 510 100। तो आगे जो रिजर्वेशन की रिगार्डिंग फर्दर सारी जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास जो ये जहाँ तक है जो रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की रिगार्डिंग। उसके बाद फर्दर आता है आपके पास स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो जिसके रिगार्डिंग आपका फर्दर आता है आपके पास। और इसका जो एक बात और, अप्लाई करने से पहले जो इसका जो डिटेल में नोटिफिकेशन, चाहे आप खुद से पढ़िएगा चाहे जो ये हम आपको बता रहे हैं, चाहे आप जहाँ से देख लीजिएगा, और इसका जो अप्लाई करने का लिंक आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा आपका मोड ऑफ जो सिलेक्शन का, जैसे जिसमें जो आपका एग्जाम होना है जो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा जो 100 मार्क्स का, शैल बी कंडक्टेड जो आप कंप्राइजिंग ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच जो आपका पर्टेनिंग टू जनरल और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स विद नो नेगेटिव मार्किंग। तो आगे ड्यूरेशन जो रहेगी आपकी, टेस्ट विल बी 90 मिनट्स। तो आगे जो सारा इसके रिगार्डिंग दिया गया पूरा यहाँ तक। आगे जो नॉर्मलाइजेशन की रिगार्डिंग, तो ये जो है आपका जो अगर मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड नियत दिया गया है उसके हिसाब से होगा। उसके बाद आता है आपके पास आंसर की के रिगार्डिंग जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपकी आ जाएगी कुछ टाइम में। उसके बाद फर्दर आता है आपके पास जो नेक्स्ट आता है तो इसके रिगार्डिंग जो आपका रेस ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग भी इसके रिगार्डिंग। उसके बाद आता है ई कार्ड एंड डेमो टेस्ट, तो इसके रिगार्डिंग जो आपका एग्जाम होगा तो उससे पहले आपको वो बता दी जाएगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो एडमिट कार्ड वो आ जाएगा। और डेमो टेस्ट के रिगार्डिंग जो फर्दर सारी इंस्ट्रक्शन दी गई, लिंक ऑफ डेमो मॉक टेस्ट विल बी जो आपका टेस्ट टू अनेबल द कैंडिडेट टू फेमलाइज दू विद द ऑनलाइन टेस्ट विल आल्सो बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट एटलीस्ट 15 डेज टू पीरियड ऑफ नोटिस जो एग्जामिनेशन। तो अगर आप ये यहाँ तक है पूरी इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद जो टेस्ट सेंटर्स के रिगार्डिंग, तो उसके बाद जैसे भी आपको जो हो सकता है जो आपको नज़दीक लगे या जो आप भरना चाहें जो टेस्ट सेंटर है, जो शॉर्ट लिस्टेड जो टेस्ट कैन बी शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट कैन बी कंडक्टेड एनी वेयर इन नॉर्थ इंडिया। तो इन्होंने जो ऐसा लिखा है जो नॉर्थ वेयर इन एनी इंडिया डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो आगे फर्दर दिया गया इसके रिगार्डिंग। तो उसके बाद आता है आपके पास, और इसमें जो नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर सिटी शैल बी जो विल बी एंटरटेन। तो ऐसा है पहले हमने कुछ, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो वो है 1 मार्च 2023 टेंटेटिवली है। उसके बाद जो जब रेगुलरली आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है विजिट करते हैं तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा आगे जो सारी आपकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो नेक्स्ट आता है ये जहाँ तक सारा आपका
जो जहाँ तक आपका इंस्ट्रक्शन है ऑनलाइन प्रोसीजर का, जो अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इनकी वेबसाइट का, तो वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, चाहे ये लिंक दिया गया है तो वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी आपकी जो फर्दर आपकी इंस्ट्रक्शन हैं ये यहाँ तक, और उसके बाद जो आगे आपके पास नेक्स्योर वन, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास नेक्स्योर जो टू, और उसके बाद जो आता है आपके पास नेक्स्योर थ्री। तो एफिडेविट अंडरटेकिंग, और उससे पहले जो है आपका फॉरवर्डिंग लेटर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और उसके बाद जो है टू हूम इट मे कंसर्न। तो यही अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं आप हमारे टेलीग्राम के चैनल आरएस लर्नर्स पे पढ़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं आगे फ्यूचर में भी हम आपको सभी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग साथ में जॉब्स के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। थैंक यू।